हेलो, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। बट तुम लोग जानते हो कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तुम लोगों को पता ही है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था और ये भी बोला था मैंने कि नेक्स्ट ब्लॉग में तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ। तो अभी मैं यहीं पे हूँ, बाहर काम चल रहा है। अभी हम लोग बाहर जाएंगे, फिर मैं तुम लोग को दिखाऊँगा कि बाहर क्या काम चल रहा है। और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, और तुम लोग को पता ही है, दिस इज़ रोहित पाल। चलो चलते हैं, काम है, बाहर काम चल रहा है, तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा था। तुम लोगों ने देख लिया कि मैं कौन सा काम में बिजी था। दुकान खुल रहा है मेरा वहाँ पे, मैं वहाँ पे रहूँगा जब खुल जाएगा। अभी वहाँ पे काम बाकी है, पेंट होना बाकी है, फिर सामान लाना बाकी है, बहुत कुछ काम बाकी है अभी वहाँ पे। और मैं अभी आया हूँ वीडियो शूट के लिए, अभी मैं एक रील्स बनाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। लोकेशन देख रहा हूँ वहाँ पे अच्छा बनेगा, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, पहले भी बनाया मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया यहाँ पे पहले। तो लोग यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में दोनों में मिल जाएगा। क्या कहाँ जाऊँ, बोला था अभी, बोला ना मैंने, ये सही रहेगा क्या। चलो लोकेशन मिल गया, जल्दी से जल्दी वीडियो शूट करता हूँ मैं। चलो वीडियो शूट कर लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग से बात करता हूँ मैं। मेरा वीडियो शूट हो चुका है, कल तुम लोगों को रील्स में देखने मिल जाएगा। तुम लोगों को बताइए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे रहता है, जाके देखो। तुम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, भेजा नहीं आ रहा है। चलो चलो चलो, तुम लोग से मिलता हूँ घर जाकर, ठीक है, बाय बाय। हम लोग घर नहीं गए थे, अभी यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहा है रुपेश। एक बहुत सरप्राइजिंग वाला बात हुआ, अभी मैं और रुपेश आया था चाय पीने के लिए। चाय पीते पीते मेरा ध्यान आया कि मेरा हेलमेट एक्चुअली खो गया था। फिर बहुत ही सरप्राइजिंग वाला बात हुआ कि वहाँ पे मेरे को मेरा हेलमेट दिख गया। तो जिसका दुकान है उससे मैंने बात किया, उससे अच्छा फ्रेंडशिप भी है थोड़ा सा, उसका नाम भी रोहित है, मेरा नाम भी रोहित है। तो फाइनली मेरे को मेरा हेलमेट मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को मेरा हेलमेट मिल गया। और मैं हेलमेट ख़रीदा भी नहीं, नया अच्छा हुआ कि नहीं ख़रीदा, मेरे को वापस मिल गया है। अभी ख़रीदा तो फिर उधर भी पैसा लगता, बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ पे 20 तारीख को हेलमेट छोड़ के गया था, 20 तारीख, और आज हो रहा है 20 दिसंबर को छोड़ के गया था, आज हो रहा है 9 जनवरी, 13 दिन बाद मैं आके हेलमेट ले रहा हूँ यहाँ पे। रोहित भी शॉक्ड हो गया कि भाई ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कुछ चीज़ें शॉर्ट करके मेरे को मेरा हेलमेट मिल गया फाइनली, मैं बहुत खुश हूँ भाई लोग, बहुत खुश हूँ। थैंक यू रोहित मेरे को मेरा हेलमेट देने के लिए और संभाल के रखने के लिए। पेट्रोल भरवा के हो गया आ रहा है। चलो अब मैं घर के लिए निकलता हूँ, घर जाकर तुम लोग से बात करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल मैं वहाँ से घर आ गया था और फिर आते आते थोड़ा लेट हो गया, फिर मेरा क्लास का टाइम हो गया, फिर मैं आके क्लास करवाया यहाँ पे। उसके बाद ये भी आया, फिर फ़ोन लेके गया तो, और मैं शूट नहीं कर पाया था। और इसके बाद तुम लोग को देखने मिलेगा, तुम लोग को पता होगा तारापीठ एक पीसफुल जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। ये घूम के आया वहाँ से, इसको मैंने बोला कि होगा तो वीडियो बनाना, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद तुम लोग को देखने को मिलेगा, स्किप मत करना, देख के जाना सब कोई। मेरा भाई बताएगा कैसा लगा उसको वहाँ पे, कितना मज़ा आया। हाँ तो ये बोल रहा था कि मैं तारापीठ गया हुआ था, बहुत ही अच्छा जगह है भाई, जाने से शांति जो होता है ना, एक मंदिर घुसने के बाद ऐसा शांति मिला कि कहीं और वैसा जगह ही नहीं है। मन कर रहा था कि मंदिर ही मेरा, एक ऐसा प्रकार का शांति था जैसे बोलो ही मत। और बहुत ही अच्छा जगह था, लाखों लाखों की भीड़ होती है हर दिन माँ के दर्शन के लिए, माँ जय माँ तारा का।
दर्शन के लिए लाखों का भीड़ होता है डेली, और बहुत ही अच्छा जगह, मतलब मन कर रहा है कि और जाऊं। मैं दूसरा दिन आया तो लग रहा कि मैं वहीं पे हूँ, मतलब जगह बहुत अच्छा था। भाई इतना अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह, मैं जा नहीं पाया बट मैं भी जाऊंगा, फिर साथ ही जाऊंगा, फिर से जाऊंगा, मैं साथ ही जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि साल में 2-3 बार जाया करूं, जाके तो बहुत शांति मिलती है गाइस। देखो इसके बाद देखने को मिलेगा, और तुम लोग भी जाओ घूम के आओ, जाके पता चलेगा। ऐसे तो देख के भी लगता है कि हाँ बहुत अच्छा जगह है ये, बट जाओगे तो पता चलेगा, अंदर से शांति मिलेगा, जैसे कि मेरा भाई ने बताया अभी। गाइस वहाँ पे जानते होंगे बहुत बड़ा हस्ती हमारे मिठुन चक्रवर्ती जी बंगाल के, वहीं पर तारापीठ में उनका घर हुआ करता था पहले, अभी नहीं है। और उनके नाम पे एक होटल चलता है सुनार बंगला नाम का, बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा होटल। सुनार बंगला मतलब भाई सोना, सोना का बंगला, वही है तारापीठ में, मजा आ जाएगा। तो जाओ तुम लोग भी घूम के आओ, बहुत अच्छा लगेगा। साथ में जाओगे तो मेरे को कमेंट करो, हम लोग साथ में जाएंगे सब कोई, हम लोग क्या सब कोई साथ में जाएंगे, घूम के आएंगे। मेरे को सुन के ही लग रहा है कि मैं क्यों नहीं गया, मेरे को भी जाना चाहिए था इसके साथ, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम साथ में जाएंगे। तो अभी 10 बज रहा है और मेरे को वीडियो पोस्ट करना है, तो जल्दी से जल्दी मेरे को एडिट भी करना है और पोस्ट भी करना है। इतना दिन से वीडियो भी पोस्ट नहीं हुआ है, बहुत दिन ज़्यादा गैप हो गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तुम लोगों को बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।